कल्लू, मुझे एक ऐसा टूल पता है जहां हम एनिमेटेड वीडियोस बड़ी आसानी से बना सकते हैं एआई की मदद से, वो भी अनलिमिटेड विदाउट वाटरमार्क। क्या बात कर रहा है लल्लू, नहीं मैं नहीं मानता। और चल, अगर ऐसा टूल अवेलेबल होगा भी तो जरूर वो पीसी पे ही चला पाएंगे ना, मेरे पास तो पीसी है नहीं, तो मेरे किसी काम का नहीं। अरे नहीं भाई, इसको तो मोबाइल में भी यूज कर सकता है और बढ़िया बढ़िया एनिमेटेड वीडियोस बना सकता है। चल बताता हूँ कैसे और कहाँ। तो ऐसी एनिमेटेड वीडियोस आप भी कैसे बना सकते हो 2 मिनट के अंदर, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, ये चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, पीसी पे भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल पे भी ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो, बड़े आसानी से 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो, ये चीज़ करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग डायरेक्ट ये वेबसाइट पे आ जाओगे, इस वेबसाइट के इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे जो कि एनिमेट फ्रॉम ऑडियो का ऑप्शन है एडोबी की तरफ से। अब फिलहाल ये बीटा में है और बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, इसमें आपको बिल्कुल मतलब कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई वाटरमार्क नहीं आता, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप अपनी जितनी एनिमेटेड वीडियोज यहाँ से बनाना है उतना बना सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो जहाँ पे भी आपको यूज करना है। तो जैसे आप इस पेज पे आ जाओगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फिलहाल स्क्वायर दिखा रहा है अपना कैनवस, मतलब यहाँ पे स्क्वायर वीडियो बनेगी। तो अगर आपको इसको चेंज करना है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में तो वो आप यहाँ पे साइज वाले टैब पे आ सकते हो। फिलहाल जब आप आओगे इस वेबसाइट पे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह दिखाई देंगे जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग पहले सबसे पहले तो इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करेंगे, 16:9 करना है तो यहाँ पे साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिलहाल ये इंस्टाग्राम वाले टैब पे, तो इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब सिलेक्ट कर लेंगे और 16:9 यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये 16:9 रेशियो का कैनवस जो है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगर आपको अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से, जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसके हिसाब से कैरेक्टर को चेंज करना है तो यहाँ पे कैरेक्टर वाले टैब पे आओ और यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से, अपने स्टोरी के हिसाब से अपना कैरेक्टर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी जो स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाया उसमें मैंने ये कैरेक्टर को यूज किया है यहाँ पे, तो ये कैरेक्टर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको साइज को भी आप लोग यहाँ पे बड़ा छोटा जो है वो कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे साइज को एडजस्ट कर लो। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो बैकग्राउंड को, अगर आपको चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आ सकते हो और अपनी स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड भी आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर इनमें से, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे बैकग्राउंड अवेलेबल है, सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे आपकी स्टोरी के हिसाब से, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से, बट स्टिल अगर इनमें से कोई बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि ये एनिमेटेड कैरेक्टर को आप लोग अपनी किसी अदर वीडियो में यूज करो इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली एकदम नीचे आओ और यहाँ पे कस्टम कलर पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लो और कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर दो। फिर उसके बाद में यहाँ से जो आप लोग इस वीडियो को बना के डाउनलोड करोगे उसको आप लोग डायरेक्ट किसी भी वीडियो एडिटर में क्रोमा की करके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और उसको आप लोग अपने इस एनिमेटेड कैरेक्टर को किसी अदर वीडियोज में भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं। समझ लो मैं इस वीडियो के लिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड को मैंने यूज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखोगे तो रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट अपना स्क्रिप्ट जो है, जो भी आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है वो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है तो यहाँ पे आपको नीचे चूज एन ऑडियो फाइल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपकी ऑडियो फाइल पहले से आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्डेड उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो आप लोग और आपकी जो भी ऑडियो फाइल है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑडियो रखी हुई है तो यहाँ पे मैं ये ऑडियो को सिलेक्ट कर लूंगा डबल क्लिक करके और ये ऑडियो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप अपनी ऑडियो सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे ये अपलोडिंग का बताएगा, आपकी ऑडियो अपलोड होगी, उसके बाद ये प्रोसेसिंग वीडियो बताएगा और ये फटाक से प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, डिपेंड करेगा ये प्रोसेसिंग कितना टाइम लेगा कि आपने कितनी बड़ी ऑडियो जो है वो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, उस हिसाब से ये टाइम लेगा और आपका जो वीडियो है वो रेडी कर देगा। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे एक मिनट भी नहीं लिया इसने प्रोसेस कंप्लीट करने को। अब यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो आ चुका है, अब इसको आप लोग प्ले करके प्रीव्यू कर सकते हो कि ये कैसी दिखाई दे रही है। कल्लू, मुझे एक ऐसा टूल पता है जहाँ हम एनिमेटेड वीडियोस, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो ये एनिमेटेड वीडियो है बनके तैयार हो गई। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड बटन पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो ये साइन अप करने के लिए बोलेगा आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है या फिर साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे आप साइन इन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन इन विद गूगल भी आप लोग कर सकते हो, तो डायरेक्ट साइन इन कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करो और अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लो और डायरेक्ट ये वीडियो जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक डाउट जरूर रहेगा कि भाई यहाँ पे तो अपनी खुद की ऑडियो आप अपलोड करने को बोल रहे हो बट हमको तो अपनी खुद की वॉइस भी नहीं डालनी है अपने वीडियो में क्योंकि हमको अपनी वॉइस रिवील नहीं करनी है वगैरह वगैरह, तो आप लोग वो अपना टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह को भी यूज कर सकते हो। दुनिया भर के टेक्स्ट टू स्पीच टूल अवेलेबल है बट मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ, मतलब मैंने एक ढूंढ के निकाला है जहाँ पे ये इंडियन एक्सेंट में टेक्स्ट टू स्पीच करके देता है, ये काफी सही मतलब टेक्स्ट टू स्पीच टूल लगा मुझे क्योंकि इंडियन एक्सेंट में करके देता है इसलिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको इस वेबसाइट पे आके इसको यूज कर सकते हो, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे इस वेबसाइट पे आके तो यहाँ पे आप लोग अपनी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो जो
जो भी वॉइस आपको सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे राजेश की वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग M4A, MP3, WAV जो भी यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे ऐड कर दो, जो भी आपको स्क्रिप्ट में लिखना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट में लिखा हुआ है उसी को रहने देता हूँ। बस डायरेक्ट क्रिएट ऑडियो पे आप लोग क्लिक करो और आपकी जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी और उसको आप लोग डायरेक्ट एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनने के लिए इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो फटाक से हमारी जो ऑडियो है वो तैयार भी हो चुकी है 9 सेकंड की। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। मुंबई इज द फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज तो कुछ इस प्रकार से आपकी टेक्स्ट टू स्पीच भी आप लोग कर सकते हो और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड भी करके बता दूं, नहीं तो बोलोगे कि डाउनलोड नहीं होता है। देखो डाउनलोड भी हो चुकी है, ठीक है। तो यार बस ये वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने इस चैनल की और वीडियोज नहीं देखी है तो इस चैनल पर विजिट करो और इस चैनल की और वीडियोज चेक करो। अगर आपके काम की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना कोई बात नहीं। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।